नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीलाल क्रिएटर अपने चैनल MMS प्रोफेशनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों से इस मिक्सर की काफी डिमांड उठ रही है, काफी कमेंट्स आए हैं कि इस मिक्सर की वायरिंग और इसका इंटरफेस सही तरीके से समझना है। सो आज हम इस मिक्सर की बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं। ये मिक्सर का पूरा इंटरफेस आपके सामने है। ये 1 2 3 4 5 6 चैनल सेपरेट XLR दिए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं CD इनपुट के 2 RC कनेक्टर्स देख रहे हैं आप, ये दोनों L और R। ये इससे आप मोबाइल या लैपटॉप से गाना प्ले करते हैं। नीचे जो देख रहे हैं मेन L और R, ये दोनों आउटपुट हैं। ये दोनों आउटपुट और XLR वाले दोनों आउटपुट सेम ही हैं। अगर आपके पास XLR वाली जैक है तो इससे आउट लेंगे, अगर आपके पास जैक वाली P38 वाली जैक है तो आप इन दोनों से आउट लेंगे। नीचे जो दोनों जैक वाले स्लॉट देख रहे हैं, एक है ऑक्स आउट और दूसरा है फोन। ऑक्स आउट वो पिन है इस मिक्सर का जो सिग्नल हम आउट किसी और एम्पलीफायर में देंगे, और जो दूसरी जो आपको जैक दिख रही है ये है फोन। यानी कि इस पे हेडफोन लगाकर इस पूरे मिक्सर की मॉनिटरिंग अपने हेडफोन में हम सुन सकते हैं। ये जो आप ऑक्स आउट का जो कंट्रोल देखेंगे वो हर चैनल्स पे दिया हुआ है। चैनल नंबर 1 पे इसका ऑक्स 1, ये जो ऑक्स वाला ग्रीन नॉब देख रहे हैं ये इस चैनल की आउट इसमें आएगी, क्योंकि जब इसकी नॉब को ओपन करेंगे इस चैनल में जो सिग्नल होगा वो सारा सिग्नल इस ऑक्स से आउट होंगे। चैनल 2 पे भी ऑक्स है, चैनल 3 4 5 6 सब पे ऑक्स बटन दिया हुआ है। इस ऑक्स से सिग्नल कब आउट होगा, जब इस वाले ऑक्स वाले नॉब के हम मास्टर वॉल्यूम को खोलेंगे। अगली बात करें, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं रेड बटन वाला मीडिया, यानी कि ये जो तीनों स्विच दिए हुए हैं 1 2 3, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं मीडिया प्लेयर, ये इसका पूरा कंट्रोल है इसके सामने। जब आप इसमें आप पेनड्राइव लगाएंगे तो यहाँ से म्यूजिक प्ले होगा, या इसको आप मोड से इसका मोड स्विच चेंज करके आप ब्लूटूथ मोड पे डालेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड पे काम करेगा। लेकिन इसका सारा वॉल्यूम इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये कंपनी ने अलग से मीडिया सेक्शन दिया हुआ है। तो इसकी जो हम जब भी गेन बढ़ाएंगे तो इस मीडिया की गेन यहाँ से बढ़ेगी, यानी कि वॉल्यूम अप यहाँ से होगी। ये जो आप HF वाला बटन देख रहे हैं ये ट्रबल के रूप में काम करेगा, और ये जो आप बटन देख रहे हैं LF यानी कि लो फ्रिक्वेंसी यानी कि बेस फ्रिक्वेंसी के लिए काम करेगा। और इस पूरे मीडिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ जो पीला बटन दिया हुआ है फेडर, ये फेडर इस पूरे मीडिया लेवल को यहाँ से वॉल्यूम को बूस्ट और बूस्ट डाउन करने के लिए काम करेगा। इस मिक्सर में जो आप EFX पैनल देख रहे हैं, ये वाला जो हर चैनल पे इको इफेक्ट देने के लिए अलग से बटन दिए गए हैं, देख सकते हैं चैनल 1 EFX, EFX चैनल 2 पे भी है, 3 4 5 6, ये EFX बटन वो है जिसे हम इको सेट करते हैं। और सारे मिक्सर यानी कि पूरे मिक्सर में जब आप माना कि चैनल नंबर 1 में आप इको चाहते हैं तो यहाँ से इस नॉब को सेंटर में रखिएगा, और यहाँ से EFX वाला जो फेडर है इसको आप पूरा उठाइए जिससे EFX आउट होगा, EFX यानी कि इको का वॉल्यूम खुलेगा। इसको अगर आप डाउन रखते हैं तो इको आना बंद हो जाएगा। इको को रिपीट और डिले सेट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर डिले और रिपीट दोनों नॉब दी हुई है, यहाँ से आप जरूरत अनुसार इको और डिले सेट कर सकते हैं। ये दोनों जो नॉब दी हुई है ये CD के लिए, यानी कि आप यहाँ से लैपटॉप या किसी मोबाइल से गाना प्ले करेंगे लीड लगाकर, तो इसकी वॉल्यूम कहाँ से तेज होगी, इस वाले CD बटन से। और आपको एक चीज तो ध्यान रखनी ही है, ये मास्टर लेवल स्पीकर उठे होने चाहिए। जब आप इस मिक्सर की मॉनिटरिंग करेंगे हेडफोन्स में तो इस फोन वाले बटन को तेज करेंगे जिससे आपको हेडफोन में इस पूरे मिक्सर का वॉल्यूम सुनाई देगा। पूरे चैनल्स पे जो आप देख रहे हैं PFL 1, PFL 2, PFL 3, PFL 4, PFL 5, PFL 6, ये PFL का पूरा नाम है प्री फेडर लिसनिंग। प्री फेडर लिसनिंग का मतलब हुआ कि इस चैनल्स को आप हेडफोन में सुनना चाहते हैं तो इसको आप ऑन करेंगे, अगर इस चैनल को आप हेडफोन में नहीं सुनना चाहते तो इसको यहाँ से ऑफ रखेंगे। जब आप PFL को ऑन करेंगे तो ये लाइट यहाँ से इंडिकेट करेगी। सारे चैनल्स को अगर हेडफोन में सुनना है तो सारे PFL को ऑन करना पड़ेगा। अगर नहीं आप चाहते हैं कि मेरे को 3 और 4 नंबर चैनल को ही हेडफोन में सुनना है तो इन दोनों को ऑन रखिए, बाकी सारे को ऑफ कर दीजिए, तो आपको 3 और 4 दोनों चैनल्स की वॉल्यूम ही हेडफोन में सुनाई देगी। ये हुआ इसका PFL वाला बटन का यूज हुआ। सो इस मिक्सर की जो जनरल सेटिंग है मैंने आपको बता दी, और इस मिक्सर की जो पिन आउट्स है मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिए हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही साउंड सॉल्यूशन और ऑडियो सॉल्यूशन वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।